रूस इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक एम उपग्रह लॉन्च करेगा। यह जानकारी लावोचिन एरोस्पेस कंपनी के जनरल डायरेक्टर व्लादिमिर कोलिमकोव ने न्यूज एजेंसी स्पुतनिक को दी है। व्लादिमिर कोलिमकोव ने कहा कि यह अब तक का नंबर एक आर्कटिक एम अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है। इसे लॉन्च करने की योजना साल 2020 के अंत तक बनाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि दूसरे आर्कटिक एम उपग्रह पर अभी भी चल रहा है और इसे साल 2023 में लॉन्च किया जाएगा। अंतरिक्ष उद्योग के सूत्र ने फरवरी में स्पुतनिक को बताया था कि बैकोनूर अंतरिक्ष केंद्र से 9 दिसंबर 2020 के लिए पहली आर्कटिक एम उपग्रह की लॉन्चिंग की योजना बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रीगेट बूस्टर के साथ उपग्रह को सोयूज 2.1.1 वाहक रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो रूस का आर्कटिका एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्र करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। आर्कटिक वृत्त के बारे में बात करें तो आर्कटिक वृत्त पृथ्वी के नक्शे में अक्षांश द्वारा चिन्हित 5 प्रमुख क्षेत्रों में सबसे उत्तरी क्षेत्र है। इस वृत्त के उत्तरी क्षेत्र को आर्कटिक के रूप में जाना जाता है और दक्षिण क्षेत्र को उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त के उत्तर में क्षितिज के ऊपर प्रतिवर्ष सूर्य कम से कम एक दिन 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। आर्कटिक वृत्त में आमतौर पर जलवायु ठंडी है, लेकिन नॉर्वे के तटीय क्षेत्रों में गल्फ स्ट्रीम के परिणाम स्वरूप तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहता है, जो उत्तरी नॉर्वे और उत्तर पश्चिमी रूस के बंदरगाहों को वर्ष भर बर्फ से मुक्त रखते हैं। अंदरूनी इलाकों में ग्रीष्मकाल काफ़ी गर्म होता है, जबकि सर्दियों में बेहद ठंडी होती है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।